हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और साड़ी ड्रैपिंग की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे आप साउथ स्टाइल में साड़ी ड्रैपिंग कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। तो मैंने ऑलरेडी अपना पेटीकोट बांध लिया है, तो आप भी इस तरीके से अपने पेटीकोट को बांध लेना। और मैंने ये वाली साड़ी ली है, ये सिल्क में है थोड़ी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसी साड़ी में मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपको साड़ी रैपिंग करनी है। तो आपको इस तरीके से एक पल्ले को लेना है और अच्छे से टकिंग करनी है। जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ आपको इस तरीके से ही करना है, और थोड़ा जो ऊपर बचा हुआ पार्ट है उसको अच्छे से टकिंग कर लेना है। फिर उसके बाद आपको पल्लू वाली साइड को निकालना है, क्योंकि पल्लू हम लास्ट में ही करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं लास्ट में ही करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से फिर फिनिशिंग आती है साड़ी की ड्रैपिंग में। तो मैंने ऑलरेडी अपना पल्लू निकाल लिया है, अब मैं अच्छे से अपनी साड़ी को सेट करूँगी। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको इस तरीके से करना है। अगर आप परफेक्ट शेप चाहते हो अपनी साड़ी में तो आपको इस तरीके से करना है। लाइक देखो, अगर इस तरीके की शेप चाहते हो तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी प्लेट्स लेनी है, लाइक बनानी है छोटी छोटी सी, और उनको इस तरीके से करना है। फिर पिन की हेल्प से आपको इसे अच्छे से सेट करना है। और ये जो अगर आप पिन लगा रहे हो तो उसे अपने पेटीकोट के साथ लगाओ ताकि अच्छे से ये सेट हो सके। तो जो बचा है ये पार्ट, इसको हम अच्छे से प्लेट्स बनाएंगे। इनकी प्लेट्स भी आपको छोटी छोटी बनानी है, अगर बड़ी बनाना चाहो तो बड़ी भी बना सकते हो, लेकिन मैं मीडियम बनाती हूँ तो वो भी अच्छी लगती है। छोटी बनाना चाहो तो छोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन हम साउथ की ड्रैपिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी मीडियम साइज़ ही रखते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेट्स बनानी है और फिर उन्हें अच्छे से सेट करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि एक एक प्लेट आपको शो हो सके। आप देख सकते हो शो हो रही है ना, फिर उन्हें अच्छे से टकिंग कर देना है, और जो नीचे की प्लेट्स हैं उनको भी अच्छे से सेट कर लेना है, लाइक जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं भी मतलब लाइक साड़ी पहनना सिखाऊंगी आपको, बिकॉज़ मेरे को पहले खुद नहीं आती थी साड़ी बांधनी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं नई नई चीज़ें, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है इन सब चीज़ों में। तो अब मैंने ये पल्लू वाली साइड ले ली है, अब हम इसको सेट करेंगे। तो आपको इस तरीके से अच्छे से इसे सेट करने के लिए इस तरीके से लेके जाना है, और यहाँ पे मैं पिन की हेल्प से इसे सेट कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। तो हम बहुत सारे तरीके होते हैं साउथ में ड्रैपिंग करने के, तो मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ। बाकी मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें आपको अच्छी अच्छी तरीके के न्यू न्यू स्टाइल में साड़ी ड्रैपिंग की वीडियोस मिल सके मेरे चैनल पे। मीडियम साइज़ में लेके जाना ताकि अच्छा लुक आए। तो मैं मीडियम साइज़ में प्लेट्स बना रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको प्लेट्स बनानी है अपने पल्लू पे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। और मुझसे अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। तो आपको देखो इस तरीके से प्लेट्स बनानी है, आप देख सकते हो एक परफेक्ट लुक आ रहा है इन प्लेट्स को इस तरीके से बनाने पर। मैंने पिन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैंने लिए एक पट्टी और इसे मैं अपने कमर पे बांधूंगी। आपने देखा होगा जो भी साउथ में होती हैं वो इस टाइप की पट्टियाँ बांध के रखती हैं अपनी साड़ी को और परफेक्ट बनाने के लिए। तो आप मार्केट से अलग अलग टाइप की न्यू न्यू डिज़ाइन की पट्टियाँ खरीद सकते हो, फिलहाल मैंने नॉर्मली ले ली है। तो ये है मेरा कम्प्लीट लुक, आप देख सकते हो मैंने कितने सिंपल स्टेप्स में एंड सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप कैसे साड़ी की ड्रैपिंग कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई दे दूँगी। मैंने एक और साड़ी ड्रैपिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो, वहाँ पे भी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है उस वीडियो को, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो।
मैं अपने चैनल पे इसी टाइप की वीडियोस लाती रहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको आज बताया साड़ी टैपिंग के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई साड़ी टैपिंग के साथ। बाय बाय।